हुआ यूट्यूब चैनल ऑफ सेंट मोमिना स्कूल। आज हम जानेंगे कुछ हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्लास टेंथ के पार्ट तुलसीदास के। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण के इनमें से क्या है? पहला मूर्ख, दूसरा कमबुद्धि, तीसरा कुटिल, डी चौथा अपसयुक्त, मतलब सारा। ये सारा ही है। आंसर देख लेते हैं। आंसर है उपयुक्त सभी, मतलब कि परशुराम के अनुसार लक्ष्मण मूर्ख भी है, कम बुद्धि भी है और कम अकल भी है। मतलब उनके कहने का मतलब है कि वो ज्ञान नहीं है उस अच्छा भी, उसके भाई जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर। सूरवीर को अपनी सूरता डैश प्रतीत करनी चाहिए। सूरतवीर मतलब जो वीर होते हैं उन्हें अपनी वीरता कैसे प्रकट करनी चाहिए? आप तो देख लेते हैं, युद्ध भूमि में उन्हें अपनी जो ताकत है वो प्रकट जो कहाँ पर करनी चाहिए, वो करनी चाहिए उन्हें अपनी युद्ध भूमि में। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, तुम तो कालू हाकू जून लावा पंक्ति में हित लकार है। इनमें ये जो पंक्ति है, तुम तो कालू हाका जानू लवा में कौन सा लकार लग रहा है? आंसर देख लेते हैं। आंसर इज अपसयुक्त, वी वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। परशुराम ने गांधी सुन का उपयोग किसके लिए किया है? परशुराम ने गांधी सुन का उपयोग किसके लिए, शब्द का किसके लिए उपयोग किया है? स्वयं के लिए, गुरु वासन के लिए, विघ्न मित्र के, लक्ष्मण के लिए? आंसर देखते हैं। उन्होंने ये क्या है, विवेक के लिए, यह विवेक के पिता हैं। सी वाला आंसर सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, अपियम खांड ने औ खाम पंक्ति में लकार कौन सा है? आंसर देख लेते हैं। पहला लकार है जो ऊपर दिया ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। राम लक्ष्मण परशुराम सावत में किस छद का उपयोग हुआ है? राम लक्ष्मण सावत शब्द सावाद में किसका छद उपयोगी हुआ है? उत्तर देखते हैं। चौराई वह दोहों का। आंसर डी सही है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। प्रश्न 7, परशुराम के सारी सिर पर अभी किस का दर्शो था? आंसर है गुरु का। आंसर 8, क्वेश्चन 8, लक्ष्मण के रुद्र चुकने के लिए परशुराम से किसके बुलाने के लिए कहा, किसे बुलाने के लिए कहा? आंसर है इसका बी, हिसाब किताब के जानकारी के लिए बुलाया था लक्ष्मण को। प्रश्न 9, लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए डैश थे, लक्ष्मण ने जो सब बोला था परशुराम के लिए क्या बोला था? तो आंसर है डी, गोद्रूप अग्नि में घी की आदि के समान। प्रश्न 10 की ओर, राम के वचन परशुराम के लिए, राम के जो वचन थे परशुराम के लिए कैसे थे? जल के समान शीतल। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इस संवादा में कौन सा गुण है? आंसर देख लेते हैं, ओज गुण। आंसर बी। आंसर क्वेश्चन नंबर 12, राम लक्ष्मण परशुराम सावत में किसका रस प्रमुख है? तो आंसर देख लेते हैं, वीर रस
इसका आंसर हो जाएगा डी वीरस। यहाँ पे गिविन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रॉक पर। प्रश्न 13, राम लक्ष्मण परशुराम सावध में किस शब्द शक्ति का उपयोग है? आंसर देख लेते हैं, व्यंजन, आंसर वी, ये रहा। आंसर सी इसका 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर ए, तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के वादा जिले में राजपुर गांव में हुआ था। आंसर इज करेक्ट। आंसर क्वेश्चन नंबर 14, तुलसीदास किस का में निम्नलिखित कवि थे? आंसर देख लेते हैं, रामवागी शाखा में, आंसर डी। इनमें कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? आंसर इज सुदामा चरित्र, तुलसीदास ने नहीं लिखी थी। तुलसीदास के व्यंग में किन किन रसों का प्रधान रही? आंसर इज सी। तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रमुख से उपयोग किया है? आंसर इज बी। आंसर क्वेश्चन नंबर 19, राम लक्ष्मण परशुराम सावध में किस घटना के कारण विवाद हो रहा था? शिव के धनुष के टूटने के कारण, आंसर बी, शिव के धनुष टूटने के कारण। प्रश्न 20, शिव जी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? आंसर इज ए। प्रश्न 11, प्रश्न 21 का छत लाभ जानु जनु धनु तारु, यह जनु शब्द का क्या अर्थ है? आंसर इज बी। प्रश्न 22, राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया कि धनुष एकदम नया है, कि राम ने जो धनुष किस धोखे से था वो एकदम नया है, इस धोखे से स्वाद। आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न 23, परशुराम ने अपना भुजाओं के बाल से डैश क्या दिया? आंसर है धरती के चरित्र में रहित। तर्जनी देखकर कौन मर जाता है? आंसर इज, इसका आंसर हो जाएगा बी, छुईमुई। रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं? देवता, ब्राह्मण, ईश्वर, भक्त के गाय।